राम राम दोस्तों। पहले तो मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से तरीका बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मुझे कहीं मिला है कि 0.3333 ये चल रहा है चल रहा है, हो सकता है आपको पॉइंट नज़र नहीं आ रहा हो, तो मेरे कहने पे गौर करें, क्योंकि पॉइंट छोटा है, वीडियो रिकॉर्डिंग में नज़र आए या ना आए, ये 0.3333 चलता जा रहा है। अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 0.3 बार। अब मेरा उद्देश्य है कि 0.3 बार को मैं पी बटा क्यू की फॉर्म में लिखूं, या फिर ये टॉपिक ये भी हो सकता है कि रिपीटिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन, अर्थात किस प्रकार से हम अशांत आवृत्ति दशमलव को भिन्न में बदलेंगे, ये भी इस ये वाला अपना टॉपिक हो सकता है जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं। अब मुझे इसको लिखना है पी बटा क्यू की फॉर्म में। तरीका मैं दिखा देता हूँ, एक छोटी सी झलक, आप बस देख लो, ट्रिक अभी मैं बताऊंगा। देखो, मैंने फिलहाल मान लिया एक्स एक्स इसको मान लिया मैंने, मेरी संख्या को 0.3333 ये चलता जा रहा है, ठीक है। अब मैं इसको बोलता हूँ मैं समीकरण एक। अब मैं पूरी समीकरण एक को 10 से गुणा करने पर, 10 गुणा समीकरण एक क्या मिलेगा, मैं राइट लेफ्ट हैंड साइड को भी 10 से गुणा करूंगा 10x, और मैं राइट हैंड साइड को भी 10 से गुणा करूंगा। 10 से गुणा करूंगा तो मेरा पॉइंट के बाद जो एक संख्या आगे आ जाएगी, जो पॉइंट के बाद थी, तो ये हो जाएगा 3.3333, आता ही जाएगा आता ही जाएगा आता ही जाएगा। इसको लिख दिया मैंने समीकरण दो। अब मैं करता हूँ समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाने पर, कैसे घटाते थे, सिखाया था पिछले बेसिक वाले वीडियोज में, लेफ्ट हैंड वाइज में से लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट घटा देना, बराबर राइट हैंड में से राइट हैंड साइड वाला पार्ट घटा देना। पहले क्या है, दो, तो समीकरण दो का लेफ्ट हैंड वाला पार्ट लिखो 10x, -1 तो माइनस लेफ्ट हैंड वाला पार्ट लिखो एक का, बराबर बराबर इसका पार्ट लिखो राइट हैंड साइड का 3.333, डॉट 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 लिखेंगे, माइनस ऊपर वाले का पार्ट लिखो 0.3333, डॉट 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 डॉट। 10x में से x गया तो कितना आया 9x, बराबर बराबर 3.3333 में से 0.3333 कट गया, तो ये पॉइंट के बाद के सब कट गए, तो क्या बचा 3, तो x बराबर आया 3/9, या फिर x का मान अगर मैं इसको और ज़्यादा सरलतम भिन्न में बदलूँ, 3 के पहाड़े से 1 बार और 3 के पहाड़े से 3 बार, तो x बराबर 1/3। x क्या था, x मेरी वो संख्या थी जो रिपीटिंग वाली जो डेसिमल नंबर थी ना, उसको मैंने x माना था, अर्थात ये जो था 0.3 बार, इसको मैं 1/3 लिख सकता हूँ ना, तो ये 1/3 क्या पी बटा क्यू फॉर्म है क्या, है ना। तो ये एक तरीका है जिस तरीके से हम इन जो रिपीटिंग मेरे पास डेसिमल है उनको फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, भिन्न में बदल सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रिक के, सीधे सीधे ऐसे और भी तरीके हैं, लेकिन चूंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, ना तो इतना पेपर होता है पेपर, और ना ही हमें पास इतना समय होता है, गलत कुछ नहीं है, लेकिन मतलब क्या है, मतलब तो सिलेक्शन पाने से, पेपर फोड़ने से है ना, तो तरीका जान लिया, अब ट्रिक जान लो, ठीक है, रटने वाली बात नहीं है, इसलिए मैंने तरीका एक बार दिखाया था झलक। तरीका क्या है डेसिमल का, मैं तो दो तीन आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा, ठीक है। एक अपन लेंगे 0.3 बार, ठीक है, एक अपन लेंगे 0.54 बार, ठीक है, एक मैं लूँगा 0.64969 बार, ठीक है, एक मैं लूंगा 2.34 बार, एक मैं लूंगा 3.8791 बार। मेरे ख्याल से इतने एग्जाम्पल अपने लिए पर्याप्त हैं। देखो साहब, इनको कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रिक बता रहा हूं अब, ये ट्रिक वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव मेथड, ऑब्जेक्टिव मेथड है ये, ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने होंगे। अगर मुझे इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, मतलब भिन्न में बदलना है, तो आप क्या करो, बराबर बराबर पॉइंट के बाद की जो संख्या है ना, उसको विदाउट पॉइंट एज इट इज लिख दो, पॉइंट के बाद क्या है 3 3 लिख दो, बटा बटा कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, कितने अंक रिपीट हो रहे हैं 3, केवल 3 ही तो अकेला अंक है ये भाई। 0.3 बार का मतलब क्या है कि ये है 0.3333, तो कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, बार कितने पे लगा है, एक अंक पे, उतने 9 लिखो, उतने 9, ये हो गई मेरी वो फ्रैक्शन, काटा पीटी कर लेना, 1/3 आ जाएगा,
तो मेरा आंसर क्या है, 0.3 बार मतलब 1/3। इसी तरीके से दूसरे पे आओ, क्या बोला था मैंने, पॉइंट के बाद जितने अंक हैं उन्हें एज इट इज लिख देना। इसको लिख दो 5 4, पॉइंट के बाद 5 4 था, 5 4 लिख दिया, बटा बटा कितने अंक रिपीट हो रहे हैं। अब ये 0.54 बार का मतलब समझो, 0.54 बार मतलब 0.54 बार 5 4 पे लगाए तो 5 4 रिपीट हो रहा है, 5 4 5 4 5 4, तो कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, बार कितनों पे लगाए, 2। तो जितने अंक रिपीट हो रहे हैं उतने 9 आएंगे, 2 9 आएंगे। काटा पीटी हो तो कर लेना, वरना ये फ्रैक्शन आंसर हमारा। तीसरा, सर जरूरी थोड़ी ना है पॉइंट के बाद जो भी आएगा वो अंक रिपीट ही होंगे, जैसे यहाँ 3 रिपीट हो रहा था, यहाँ 54 रिपीट हो रहा था, या पॉइंट के बाद 6 4 9 6 है लेकिन 6 4 रिपीट नहीं हो रहा। तो अब इसमें दम है तो ये वाला कन्वर्ट करके बताओ। इसका मतलब है 0.6496 बार का मतलब है कि 0.64 तो एज इट इज़ है, लेकिन ये जो 96 है रिपीट हो रहा है, 96 96 96 96 चलता जाएगा। तो हमको फिर से क्या करना है, हमको अब क्या करना है, पहले मैंने क्या बोला था, पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं हैं एज इट इज लिख दो विदाउट पॉइंट, कितना है 6 4 9 6 6 4 9 6 लिख दी। अब चूंकि इसमें सारे के सारे अंक रिपीटिंग नहीं है, तो जो अंक रिपीट नहीं हो रहे उन्हें माइनस करना पड़ेगा। आप ट्रिक की तरह ध्यान रख रहे हैं, रखें 6 4 रिपीट नहीं हो रहा तो 6 4 को माइनस करो, या सारे रिपीट थे इसलिए माइनस में 0 था जो हमें नज़र नहीं आया, 54 दोनों थे रिपीटिंग इसलिए माइनस में 0 था हमें नज़र नहीं आया, यहाँ पे जो रिपीट नहीं हो रहा उसे माइनस करो, कर दिया, बटा बटा कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, था किसके ऊपर बार है, एक तो 6 के ऊपर है, एक 9 के ऊपर है, 2 अंक, जितने अंक रिपीट हो रहे हैं उतने 9, 2 9 आएंगे। कितने अंक रिपीट नहीं हो रहे, 6 और 4 रिपीट नहीं हो रहे, तो 6 और 4 रिपीट नहीं हो रहे, जितने अंक रिपीट नहीं हो रहे उतने 0 आएंगे। कितने अंक रिपीट नहीं हो रहे, 2 4 और 6, तो 2 0 1 और 1 2। अब इसको सॉल्व कर लेना, क्या आएगा, 6 में से 4 गए तो 2, 9 में से 6 गए तो 3, 4 6 9 9 00। इसको देख लेना आगे काटा पीटी हो तो 2 के पहाड़े से, लेकिन ये आपकी भिन्न आ गई, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर यही आएगा। ठीक है, हमने क्या क्या देख लिया, अगर पॉइंट के बाद कंटिन्यूशन में मेरे रिपीटिंग नंबर आ रहे हों तो ये, पॉइंट के बाद कुछ नंबर रिपीट नहीं होंगे, उसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो तो उसको कैसे भिन्न में बदलेंगे वो देख लें। अब अगर सर ऐसे आ गया, ये तो आपने 0 पॉइंट वाले बताए थे, दम है तो ये बताओ 2.34 आ गया तो इसको कैसे करेंगे। तो लाला मेरे, मैंने आपको 2.34 नहीं सिखाया, मैंने आपको 0.34 तो सिखाया है ना, सिखाया, तो आप क्या करो, आप इस 2.34 को क्या ऐसे लिख सकते हो क्या, 2 + 0.34 बार लिख सकते हो, तो 2 को तो ऐसा का ऐसा रहने दो, प्लस 0.34 बार को कैसे लिखा था, मैं बोला था पॉइंट के बाद जितने भी नंबर आ रहे हैं उन्हें एज इट इज लिख दो, 34 लिख दिया, बटे। अब माइनस क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये सारे के सारे रिपीटिंग है, कोई नॉन रिपीटिंग नंबर आया ही नहीं, इसलिए माइनस 0 होगा, बटे कितने अंकों पे बार आ रहा है, कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, 2 3 और 4 बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, तो उतने 9। क्या कोई नॉन रिपीटिंग है, क्या नहीं है, तो 0 नहीं आएगा। इसको सॉल्व कर लेना, या फिर मैं इसको कह दूँ 2 सही 34/99 गुणा भाग कर लेना, फाइनल भिन्न मिल जाएगी, या इसको कट पिट करके इसमें 2 जोड़ देना, फाइनल भिन्न आपको मिल जाएगी, P/Q के रूप में आ जाएगा। इसको कैसे करेंगे सर बताओ, वही वाली बात है लाला मेरे, मैंने 3.8791 का बार, 91 का बार है, मैंने इसको सॉल्व करना नहीं सिखाया, लेकिन मैंने आपको 0.3 मतलब 0.8791 पे बार होता तो मैंने सॉल्व करना सिखाया ना, तो आप इसको क्या करो, वैसे ही कर लो जैसे ऊपर का किया, इसको लिख दो 0.8791 बार, अब 3 को तो 3 रहने दो, प्लस पॉइंट के बाद सारी संख्याएं लिख दो जो भी लिख रही है 8791, माइनस जो रिपीट नहीं हो रहा, क्या रिपीट नहीं हो रहा, 87, तो 87 रिपीट नहीं हो रहा, अपॉन में कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, 9 और 1, तो उतने 9 लगाओ, और कितने अंक रिपीट नहीं हो रहे, 8 और 7, उतने 0 लगाओ। अब इसको सॉल्व कर लेना, इसमें से ये घटाना, अपॉन 9900, काटा पीटी हो तो ठीक, नहीं हो तो उसको 3 में जोड़ देना, आपको जो भी फ्रैक्शन मिलेगा वो इसके इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, ये मुझे लगता है इन 4 एग्जाम्पलों से सारी की सारी बातें क्लियर हो गई होगी। जो ये वाले नंबर थे ना 0.3
0.54, मतलब जिनमें दशमलव के बाद जो भी आता है सीधा रिपीट हो जाता है, इसको बोलते हैं प्योर रिकरिंग। क्या बोलते हैं इसको? प्योर रिकरिंग, रिकरिंग, प्योर रिकरिंग नंबर। और इसको बोलते हैं जिनमें पॉइंट के बाद कुछ अंक आते हैं फिर रिपीटेशन स्टार्ट होता है, इनको बोलते हैं मिक्स्ड, मिक्स्ड रिकरिंग या मिक्स रिकरिंग नंबर। नाम जानना जरूरी नहीं है, हमको बस कन्वर्जन आना चाहिए। अब एक जो चीज़ बड़ी ध्यान रखनी है जिसमें आपकी गलती हो सकती है, मैं नीचे वाले एग्जाम्पल्स को मिटा रहा हूँ, इन्हीं एग्जाम्पलों से मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहूँगा। देखो मेरे पास यही वाला नंबर है 0.3 बार का ये। अब इसका मतलब क्या है? 0.33333 चलता जाएगा। तो एक बालक ने इसको 0.3 बार नहीं लिख के इसको 0.333 बार लिख दिया। वो बोलेगा सर इसमें क्या गलत है, मैंने बार अकेले तीन पे ही तो लगाया है। अकेले तीन पे लगाया है इसका मतलब क्या कि सिर्फ तीन ही तो रिपीट होगा। आप इसको खोल के देखो 0.33, ये थ्री, अब ये थ्री रिपीट होगा, तो मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा ना। यहाँ पे एक बार के लिए हमें लगता है गलत नहीं लिखा, लेकिन ये गलती आपको कहाँ भारी पड़ेगी वो देख लो। अगर आप इस चीज़ को 0.3 बार को 0.33 बार लिख दोगे तो जब आप कन्वर्जन करने जाओगे तो हमारा तरीका क्या था, पॉइंट के बाद वाली संख्याओं को एज इट इज़ लिख दो, तो आप क्या लिख दोगे इसमें 333 माइनस जो रिपीट नहीं हो रहा, क्या रिपीट नहीं हो रहा, 33, तो आप 33 लिख दोगे। अपॉन कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, एक, तो 9। कितने रिपीट नहीं हो रहे, 33, दो अंक रिपीट नहीं हो रहे, 9 डबल। तो 333 में से 300 घटा दोगे तो ये मिला 300/900। सॉल्व करोगे, दो जीरो से दो जीरो कट गया, तीन के पहाड़े से एक बार, तीन के पहाड़े से 9 बार, तो ये आपको मिलेगा 1/3। अब एक बालक ने बोला क्या हो गया सर, अगर मैंने इसको 0.3 बार नहीं लिख के 0.333 बार लिखा था तब भी मेरा आंसर तो 1/3 आ गया ना। लाला मेरे आ तो गया, लेकिन एक स्मार्ट वर्क और एक गधा मजदूरी होती है कि नहीं होती। आंसर जब 1/3 ही लाना था तो इतनी माथापोड़ी क्यों करनी थी। ठीक है, अगर आपके पास समय की कोई कमी नहीं है और आपको लगता है कि 3 घंटे का पेपर अपने को तो 30 घंटे में करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन जब सीधा तरीका है तो रिपीटेशन पे बार हमको कहाँ लगाना है, जब वो नंबर पहली बार आए। जैसे ये 3 रिपीट होता जा रहा है ना, तो जब ये पहली बार आया था जहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हुआ आप उसी जगह बार लगाएं। जैसे 0.634 बार है, इसका मतलब क्या है, 0.634 आगे चलता जाएगा, तो कोई ये लिख देगा 0.34 और 34 बार, तो ये अभी गलत नहीं है, लेकिन चूंकि 34 पहले ही लिख चुका है तो ये बार यहाँ लगाना उचित नहीं है, पहले वाले नंबर पे बार लगाओ आप, अन्यथा आप क्या करोगे, अपनी ही गधा मजदूरी बढ़ा लोगे। ठीक है, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ये जहाँ तक मुझे लगता है कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में क्लियर करना, ये गधों की दौड़ नहीं है, घोड़ों की दौड़ है, तो आप पहले गधा मजदूरी से ऊपर उठें। तो जो चीज़ें एक ही स्टेप में हो सकती है उनके लिए 4 स्टेप में ना करें। इसका एक मैं फटाफट एक फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। ठीक है, किसी भी दशमलव वाली संख्या को, खासकर रिपीटिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन के लिए कन्वर्जन कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला बराबर, यह है न्यूमिरेटर, यह है डिनोमिनेटर, अंश बटे ये हर वाला पार्ट है। तो अंश में तो क्या आएगा, अंश में आएंगे ऑल डिजिट्स विदाउट डेसिमल। मतलब क्या करो आप, पॉइंट के बाद जो भी संख्याएं लिखी पड़ी है उनको यथावत लिख दो बिना पॉइंट के। ठीक है, ऑल डिजिट्स विदाउट डेसिमल। माइनस, क्या माइनस करते थे, है ना, ऑल नॉन रिपीटिंग डिजिट्स। ठीक है, ऑल नॉन रिपीटिंग डिजिट्स, हो सकता है लिखने में कुछ गड़बड़ हो जाए, आपको फिर से एग्जांपल से समझाऊंगा, समझ लेना। फिर नीचे क्या आएगा, नीचे आएगी दो चीजें। ठीक है, एक तो 9, मैंने 9 apostrophe s लिखा है, 9 लगाना है, किन के लिए लगाना है, 9 फॉर ऑल रिपीटिंग डिजिट्स।
ये डिजिट्स, ठीक है, और हमको लगाना है जीरोस। अब देखो जीरो मैंने पीछे लिखा है तो जीरो पीछे लगाना है, आगे लगाने का जीरो कोई तुक तो बनता ही नहीं है। वन के पीछे जीरो लगाएं तो 10 बनता है, वन के आगे जीरो लगाएं तो कुछ बनता ही नहीं है, तो कुछ तुकबाजी के लिए सूत्र लिखा रहे हैं ना। तो ये सूत्र आपको ये कोई गुणा में नहीं है, मैंने यहाँ पे गुणा नहीं लिखाया, ये ट्रेलिंग जीरो है, इसके बाद का जीरो है, ठीक है ना, 9 के बाद कितने जीरो आएंगे। तो जीरोस फॉर ऑल नॉन रिपीटिंग डिजिट्स। देखो उदाहरण ले लेते हैं एक बार फटाफट, जैसे मेरा उदाहरण था 0.56289 बार, 56289 बार मतलब 0.56289289289289 चलता रहेगा। अब इस फॉर्मूले से मैं इसको भिन्न में कन्वर्ट करता हूँ, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ, बराबर ऑल डिजिट विदाउट डेसिमल। तो बिना दशमलव के इस पूरी की पूरी डिजिट को यहाँ पे लिख दो, आपने लिख दिया 56289 माइनस क्या लिखा है, ऑल नॉन रिपीटिंग डिजिट्स, क्या रिपीट नहीं हो रहा, 56 रिपीट नहीं हो रहा ना, तो 56 लिख दो, 56 अपॉन क्या, 9 फॉर ऑल रिपीटिंग डिजिट्स, 9 फॉर ऑल रिपीटिंग डिजिट, रिपीटिंग डिजिट कितनी है इसमें, 289 तीन, तो तीन के लिए 3 9 लगाओ, 1 2 3। फिर क्या है, ये गुणा नहीं है लाला मेरे, मैंने गुणा नहीं लिखा है, ये क्या है, जीरोस फॉर ऑल नॉन रिपीटिंग डिजिट्स, कितनी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, 1 और 2, तो इन 2 के लिए 2 जीरो लगाओ, 1 और 2। अब इसको काट माइनस करके कटपिट होता है तो ठीक, जो भी आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये यहाँ पे गुणा नहीं है, पहली बात ये ट्रेलिंग जीरो है इन 9 के बाद, ठीक है, और दूसरी बात कि ये फॉर्मूला मेरे कहने में, मतलब ऑल डिजिट्स विदाउट डेसिमल, हो सकता है उलट फेर, आपको जिन शब्दों में आप सही लगे उन शब्दों में लिख लीजिएगा, कुल मिला के तरीका आपको समझ में आना चाहिए। अब वही समझदारी वाले काम मत लिख देना, जैसे अगर ये 2.89 होता तो इसको 2 मत लिखना ना, इसको आप क्या करोगे, वही वाला काम है, अगर 2.56289 पे बार होता तो आप इसको 2 + 0.56289 बार, और आप जो सॉल्व करते आप ये जीरो पॉइंट वाले का सॉल्व करोगे। मैंने जितने भी तरीके बताए हैं वो 1 से छोटी संख्याओं के लिए बताए हैं, जो 1 से बड़ी जो भी पूरा का पूरा पूर्णांक होगा उसको साइड में रखना, और बाद में जो भी आएगा उस भिन्न में उसे जोड़ देना, ऐड कर देना, उस भिन्न को सॉल्व करते टाइम इसका पूरा कंप्लीट इंटीजर वाला पार्ट कंसिडर मत करना, इसको सॉल्यूशन में मत देना, गलती हो जाएगी, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड और कई क्वेश्चन आपको कहीं देखने को मिले हों तो आप प्रैक्टिस कर लेना, कुछ दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता देना, जब भी समय मिलेगा नज़र पड़ेगी तो कोशिश करूँगा कि आपके सवालों के जवाब जल्दी जल्दी दे पाऊँ। इस लेक्चर को यहीं विराम देते हैं, अगले लेक्चर में हम कुछ और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए आप अपना अभ्यास जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।